एजाज खान के कानों में गूंज रही है बिग बॉस की आवाज। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अगर आप किसी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुके कलाकार से ये पूछेंगे कि आपको बिग बॉस की सबसे ज्यादा याद आने वाली चीज कौन सी है, तो वो लोग सबसे पहले कहेंगे कि बिग बॉस की आवाज। अब भाई, बिग बॉस की आवाज इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। प्लस आप दिन भर बिग बॉस से ही इंटरेक्ट कर पाते थे, या बिग बॉस आपको आदेश देते रहते थे, बिग बॉस आपको जो है अपनी आवाज सुनाते रहते थे। तो ऐसे में बिग बॉस की आवाज जो है आपके दिलो दिमाग में छप जाती है। अब एक फैन ने शेयर किया कि अगर बिग बॉस इंस्पिरेशनल कोट्स देंगे तो वो किस तरीके के रहेंगे, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग जो नॉर्मल रूटीन में कई सारे ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं, कई सारी ऐसी लाइनें बोलती हैं जो हम लोग एक तरीके से तकिया कलाम बन जाते हैं, तो अगर वो सारे डायलॉग्स आपके इंस्पिरेशनल कोट्स माने जाए तो आपके इंस्पिरेशनल कोट्स क्या होंगे। ऐसे ही बिग बॉस के लिए एक फैन एडिट बना है, तो बिग बॉस के इंस्पिरेशनल कोट्स क्या होंगे हम सभी को पता है। माइक पहन लीजिए, या फिर जो है आप लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। इस तरीके के जो भी लाइनें बिग बॉस लगातार बोलते रहते थे, रूल्स होते थे, जो कि उन्हीं चीजों को अब लिख कर एक फैन एडिट बनाया गया है, जिसके बाद ये लाइंस जो हैं सिर्फ लिखी जा रही थी, बिग बॉस बोल नहीं रहे थे, दीज वर जस्ट बीइंग रिटन ऑन द वीडियो। जिसके बाद एजाज खान कह रहे हैं कि ये आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है, आई कैन हियर बिग बॉस, यानी कि दिमाग में उनके अचानक से ये सारी लाइनें गूंजने लगी, बिग बॉस की आवाज में गूंजने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस घर में इतने दिन बिता कर आए हैं तो वो छाप आपके दिलो दिमाग पर छप जाती है। और जब ऐसी कोई भी आप चीज से टकराते हैं या ऐसे कोई भी वाक्य से टकराते हैं तो आपके दिमाग में वापस वो आवाजें गूंजने लगती हैं। तो एजाज खान के दिमाग में, दिलो दिमाग में गूंज रही है बिग बॉस की आवाज। क्लियरली ही इज मिसिंग बिग बॉस एंड वी आर टू। तो क्या कहना चाहेंगे आप एजाज खान के इस आवाज गूंजने इंस्टेंस वाले इंस्टेंस के बारे में, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रही और भी खबरें हैं, लगातार आप तक तो पहुंचाते रहेंगे।